छत्तीसगढ़ में चल रहे आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह मामला पिछले गवर्नर के समय का है जो विवादित था। यह स्थिति सभी लोग जानते हैं। यह मामला पिछले राज्यपाल के समय का है, इसलिए अब इस पर बात करने का औचित्य नहीं है। इधर राज्यपाल के रुख पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने यह कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हस्ताक्षर करने की बात कही थी, राज्यपाल को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर कर तुरंत इसका लाभ संबंधित वर्गों को मिलना चाहिए। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरक्षण बिल को अटकाने की कोशिश की गई तो लड़ाई और तेज होगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में यह रिजर्वेशन लागू हो पाएगा या नहीं। There are all disputed matters, and you know what has happened. And in those disputed matters, as a governor, I should not say. ये यहाँ साफ कर दिया। यहाँ आप फिर देख रहे हैं कि पिछले राज्यपाल ने खुद प्रॉमिस किया था, वायदा किया था कि आप इसको पारित कर दीजिए, सर्वसम्मति से पारित हुआ। राज्यपाल एक ओहदा है, राज्यपाल व्यक्तिगत नहीं हो सकती कि कोई किसी एक ने कहा हो या दूसरे ने कहा हो। एक राज्यपाल ने जो कहा उस पर इन राज्यपाल को भी टिकना चाहिए, उसी जबान पर टिकना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। और राज्यपाल महोदय अपनी बात से पीछे ना हटें और आरक्षण यहाँ पर मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज के दिन हमारे युवाओं को जो नौकरियां मिलनी चाहिए वो उससे महरूम हो रहे हैं। और यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ये इतना घोर अन्याय कर रही है। मैम एक सवाल था, आरक्षण को लेकर राज्यपाल का नया बयान है, पूरे मामले का पदक्षेप हो चुका है, अब चर्चा का कोई विषय नहीं बनता। आरक्षण हमारा अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे छुप करके जो आरक्षण को अटकाने का कोशिश कर रही है, उनको ये भारी पड़ेगा। राज्यपाल जी को पुनः इस पर विचार करना चाहिए। और जो पूर्व में आदिवासी वर्ग को एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को, एससी वर्ग को जो आरक्षण मिलता रहा है, वो जिसके लिए विधानसभा में बिल पारित करके राज्यपाल के यहाँ दस्तखत करने के लिए भेजा गया, तत्काल उसको दस्तखत होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में और लड़ाई तेज होगा। जिस तरह का बयान आया है उससे लीजिए ये बात कि अगर इसको टालने का कोशिश करेंगे तो लड़ाई और तेज होगी।